मुझे तो मेरी मासी ने ला के दी है साड़ी। और तुझे कौन सी क्लास से लौट हुई है? 8 भी तुझे? मुझे भी सेम। थैंक गॉड यार, दोनों को सेम क्लास में कर दिया। मुझे तो बहुत नर्वसनेस हो रही थी कि मैं क्या पढ़ाऊंगी बच्चों को। अबे पढ़ाना क्यों है, गेम्स खिलाएंगे ना बच्चों को। टीचर्स डे होता है इसलिए जिससे कि 12 क्लास के बच्चे मस्त पूरा दिन एंजॉय करें। बच्चों पे रॉब झाड़ने में कितना मजा आ रहा है यार। सारी टीचर्स चल रही हैं, बच्चे आके हमें क्या रोल दे रहे हैं। 8th क्लास की गरिमा मुझे आके बोलती, दीदी आप बहुत प्यारे लग रहे हो, उसने मुझे ये रोज भी दिया। वाह यार। अच्छा तू ना मेरी क्लास में फोटोज और वीडियोस क्लिक कर ले पढ़ाते हुए, सॉरी लगाऊंगी। अबे वो देख कृति और नैना को गेम्स खिला रहे हैं अंताक्षरी। हम लोग ना दमशराज खिला लेंगे बच्चों को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अबे हर्षिता और हरप्रीत को देखिए जरा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। ओए हरप्रीत ये क्या बोरियत फैला रखी है यार तुम लोगों ने क्लास में, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा रहे हो बच्चों को। यार क्या बताऊं, हम भी ना पहले गेम से खिला रहे थे, वो प्रिंसिपल मैम राउंड पे थी, आ गई अंदर, बोलती व्हाट आर यू टीचिंग, आर यू प्लेइंग गेम्स, डांट के चली गई। यार यार हमें भी पढ़ाना पड़ेगा क्या? आइडिया, सारे बच्चों को उठा उठा के ना उनका इंट्रोडक्शन ले लेंगे, 30 बच्चों में कैसे टाइम निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। और प्रिंसिपल मैम आ भी गई तो बोल देंगे मैम एक एक बच्चे को खड़ा करके ना जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैम इनको ये तक तो पता नहीं है इंडिया की प्रेसिडेंट कौन है। अरे यार ये तो बुक्स भी तो नहीं लेकर आए, पिकनिक वाला बैग उठा के ले आए हैं और कह रहे हैं कि हाफ डे है मत पढ़ाओ। अब यार अपने बच्चों को चुप करा, कितना शोर मचा रहे हैं। यार हमारी क्लास भी तो शोर मचा रही होगी, चल जल्दी चलते हैं। अबे रुक जा, साड़ी पहनी हुई है गिर जाएगी। मुझे साड़ी में ना चलने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। दिख रहा है कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, चले तो जा नहीं रहा हील्स में इससे। अब तुम जाओ मुझे पढ़ाने दो। What are you doing in the corridor? किसने नाम की आवाज़ आ गई? बाय बाय बाय। सुनीता मैम आप लेंगी लस्सी? नो नो नो। न्यू साड़ी? आपका कलेक्शन एक नंबर होता है, कहाँ से लेते हो आप इतनी अच्छी साड़ियाँ? आपकी भी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मेरे ब्रदर की शॉप है चांदनी चौक में, बड़ा शोरूम है, साड़ी सूट सब मिल जाता है। फिर तो आप मेरे लिए एक ले ही लिया करो, आपकी चॉइस पे कॉन्फिडेंस है मुझे पूरा। आप जाओ कभी भी, राठी मैम का नाम ले लो कि आपकी फ्रेंड है, आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। गुड, कितने रोजेस मिले फिर आज आपको? 10 रोजेस हो गए हैं। मेरी क्लास ने मुझे स्पेशली एक बड़ा सा ग्रीटिंग कार्ड भी दिया। और आपको? यस्टरडे माय क्लास वाज आस्किंग मैम कौन सा फ्लेवर आपको केक में बहुत ज़्यादा पसंद है, आई थॉट कैजुअली पूछ रहे हैं। टुडे दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड ब्रॉट अ केक फॉर मी, चॉकलेट केक माई फेवरेट। मैंने थोड़ा डांट दिया उनको कि इतना एक्सपेंस थोड़ी ना करते हैं। गुड जेस्चर, फ्लावर्स में तो मनी वेस्टेज ही होता है। मैम टीचर्स को भी स्टाफ रूम में चॉकलेट केक खिला देते। केक तो मैंने पूरा क्लास में ही डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया, आई जस्ट हैड वन स्लाइस, आई सेड यू ऑल हैव नाउ। इट्स ओके, आफ्टर हाफ डे वी ऑल टीचर विल गो टू ग्रैंड प्लाजा, इन डेजर्ट वी विल हैव पेस्ट्री। आज तो एक्स्ट्रा कैलोरीज हो जाएंगी मेरी, अभी तो डाइटिंग स्टार्ट करी थी। एक दिन तो बनता है, टीचर्स डे साल में एक दिन आता है। आई हैव टू डिसाइड स्पाइसी चॉपसी एंड कोल्ड कॉफी, कब से रोक के रखा हुआ है अपने आप को। स्पंज वाली मैम आ गई। सो मेनी फ्लावर्स मैम, लकी गुड। बच्चे इतने स्वीट है ना, मना भी नहीं कर सकते, दिल टूट जाएगा बेचारों का। May I come in, ma'am? Yes, come in. Acha, bacha. Happy Teacher's Day, ma'am. Thank you, beta. क्लास में ना दो और बैग पड़े हैं रोजी से भरे हुए, आज ना भाई को बुलाया, भाई लेने आएगा मुझे।
मैम इनको भी बुलाना है आज लंच के लिए। मैम हम सब टीचर्स जा रहे हैं टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए आज लंच पर, आप भी चल लो हमारे साथ। मैं तो भाई अपना फेवरेट मोजीतो और आग्लियो ओलियो पास्ता खाऊंगी। सुनीता मैम वो आग्लियो ओलियो नहीं होता, वो आलियो ओलियो होता है। हैनिट मोहितो क्लास में दो बैग और रखे हैं, मैं लेकर आती हूँ। और कर लो इनवाइट। कराली बेइज्जती। लैंग्वेज की न्यू टीचर हैं तो बच्चों में क्रेज है अभी, वो तो बच्चों के मार्क्स ही बताएंगे कब तक स्कूल में टिकेंगी। सो मैनी फ्लावर्स, सब डस्टबिन में जाएगा, ऑल वेस्ट। एब्सोल्युटली आई नो, चेंज ही होनी है अभी टीचर जल्दी। स्पेनिश वाली मैम को बैठा दिया मैंने संग्राम सर की कार में, मैंने तो कह दिया मैं तो राठी मैम के साथ ही जाऊंगी। चलाओ ना मैम गाड़ी, क्या कर रहे हो? सारे टीचर्स हमसे पहले पहुंच जाएंगे रेस्टोरेंट। मैम बस एक मिनट रुक जाओ, मैं सोच रही हूँ ये ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। ऐसे तो घंटों देखते ही रहोगे आप, आपको बस अपनी चॉइस के बारे में क्लियर होना है। दिखाओ मुझे, क्लियर तो है, बस ट्रेन के साथ ट्रेड करो, जहाँ चार्ट जा रहा है वहीं जाओ और डील ओपन कर लो। लो जी कर दिया। वाह सुनीता मैम, आपकी वजह से तो प्रॉफिट हो गया मुझे। अगली बार ना आप बिनोमो का ब्लॉग या फिर बिनोमो का एजुकेशनल सेक्शन पढ़ लेना। बिनोमो, मेक योर राइट चॉइस टुवर्ड्स प्रॉफिट। आज तो सारी टीचर्स को मेरी तरफ से पार्टी, आपकी वजह से मैम। अच्छा ऑक्सी है क्या आपके पास? गाने चला लेते हैं, अब तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। कौन सा गाना सुनना है आपको? लाओ आपका फोन कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या पुराने गाने सुनने हैं मैम, काला चश्मा लगाते हैं। ये अच्छा है। मैंने काला चश्मा, मैंने काला चश्मा जचता है। जिंदगी की मुश्किलों से फिर वही लड़ना सिखाया करते थे, हमें संभालने को कभी माँ, कभी दोस्त बन जाते, हमारे चेहरे पर मुस्कान लाने को कभी बच्चे बन जाते। We love you teachers, happy teachers day. Honorable principal ma'am and respected teachers, let's welcome our next performance by class 10 students. Perfect. यार फिर भी nervousness होती है ना, कल सबकी नजर मुझ पर ही होगी, principal ma'am, teachers, chief guest, anchoring करना आसान बात थोड़ी है यार। तुझे तो कुछ भी स्ट्रेस नहीं है, मैं हिप हॉप ग्रुप में हूँ एंड पूरे ग्रुप का सिंक होना चाहिए, अगर किसी ने भी मैसअप कर दिया तो पूरी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। और सबसे डिफिकल्ट तो मुझे यही स्टेप लगता है। अरे आज हो गया, बहुत सही कर दिया तूने तो, और तुम्हारा ना मुझे वो वाला स्टेप बहुत अच्छा लगता है, ऐसे वाला 1 2 3 गो। तू तो अच्छा कर रही है, तू भी आ जा ना डांस में। अबे नहीं यार नहीं, मैं डांस वांस में नहीं आ रही, मेरे लिए एंकरिंग ही ठीक है। कल प्रिंसिपल मैम चीफ गेस्ट की टेबल पे तो अलग से स्नैक्स लगते हैं यार, मन करता है हमें भी दे दो थोड़ा सा। हाँ यार मन तो करता है, लेकिन मैं उनकी टेबल पे देख भी नहीं सकती हूँ, जो तो मेरी नज़र उनके स्नैक्स पर चली गई ना फिर तो पक्का मैं लाइन भूल जाऊंगी। तू दोबारा से रिवाइज कर। हाँ, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना फिर वही सिखाया करते थे, हमें संभाल अपनी आवाज में। जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना फिर वही सिखाया करते थे हमें। यार ये डेकोरेशन का कटिंग कर करके मैं पागल हो जाऊंगी। ओए देखना जरा सही बना है। हाँ यार बहुत अच्छा लग रहा है। अब यार नैना तूने टीचर्स के टाइटल्स कर लिए हैं सारे? हाँ यार लिख ही लिए हैं, बस ना दो रहते हैं। जॉनी सर को क्या नाम दें? मिस्टर हैंडसम। सुबह सुबह उनसे ही मिलकर आई हूँ, सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे विश किया है। ओ ब्लू कलर के 3-पीस सूट में इतने हॉट लग रहे हैं, उनको देखकर मैं हो जाऊंगी। तो पहले
पहली बात तो ये उनकी गर्लफ्रेंड है, मैंने मॉल्टाउन ईटिंग कॉर्नर में ना उनको चाप खाते हुए देखा अपनी बंदी के साथ। दूसरी बात ये कि ऑडिटोरियम में प्रिंसिपल मैम होंगी, अगर तुम लोगों को डांटना पड़ जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। मिस्टर धोखेबाज ही होना चाहिए उनका तो। मिस्टर म्यूजिकल सही है, सुनैना मैम को भी बता दो यार। वो तो यार सबसे स्वीट सबसे प्यारी टीचर है, उनका तो मैं स्वीट हार्ट या फिर मिस कॉटन कैंडी होना चाहिए। रजनी मैम को भी बताओ यार, सबसे खड़ूस है वो, बहुत स्ट्रिक्ट है। वो तो यार हर बात पे लेक्चर सुनाने लग जाती हैं, मिसेस स्ट्रिक्ट ही होना चाहिए उनका तो, वो इस बात पे भी लेक्चर सुना देंगी। सही में यार, सरोज मैम का होना चाहिए, मीठी छुरी, सबसे फ्रेंडली टीचर है और सबके सीक्रेट्स पता होते हैं उनको। यार उनको तो मैंने भी अपना राहुल वाला सीक्रेट बताया हुआ है। वो ना है ही ऐसे, अपनी बातों से ना सबके सीक्रेट्स निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल मैम को बताओ। प्रिंसिपल मैम को क्या करें यार, उनमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है, जब भी पास से निकलती है ना ऐसे लगता है उनसे पूछ लूँगी, मैम आपने कौन सा परफ्यूम लगाया प्लीज बता दो, मैं भी वही लगाऊंगी बड़े होके। सही में मिसेस मैजेस्टिक। अब यार प्रिंसिपल मैम का बुक है? अरे स्टाफ रूम में शिखावत मैम के कबर्ड में रखा है। शिखावत मैम को कितना प्राउड होगा इस बार 11th क्लास पर, इतनी मेहनत करी है हम लोगों ने और इतना अच्छा डेकोरेशन करा है। यार सब में ड्यूटी बटी हुई है, पर अभी श्वेता और अक्षिता को देख लो, भाग गए टीचर्स को रोज देने। भाई सब लोग ना हम पर ही सारा काम डाल के भाग जाते हैं, मैं नहीं करने वाली अब और कोई काम, ये बेंचेस साइड करने वाला काम उनका है वो ही करेंगे, तुम दोनों के चक्कर में मैं सारे काम में हेल्प करा रही हूँ। अब यार छोड़ो ना, अब ब्रेक ले लेते हैं, सुबह से काम कर रहे हैं, घूम कर आते हैं, चलो जॉनी सर से मिलने चलते हैं। अबे यार पागल है क्या तू? अबे यार हॉट थोड़ी ना होगी उनकी बंदी, ब्रेकअप करा देंगे। तेरा दिमाग खराब है क्या? मेंटल जॉनी सर करती रहती है। सुंदर लग रही है सारी दीदियाँ, चल ना मिलने चलते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा रही, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं जा रही यार, मैं नहीं जा रही। काश ये ब्लैक साड़ी वाली दीदी हमारी क्लास में आता है। सबसे अच्छी तो सी ग्रीन साड़ी वाली दीदी लग रही है, कितने अच्छे कर्ल्स हैं उनकी, एकदम पीची वेव्स। पक्का किसी बड़े महंगे वाले पार्लर से बनवाए होंगे इन्होंने। तूने दीपांशी दी की ऑरेंज कलर की नेट की साड़ी देखी, मैं तो फ्लैट हो गई। मैंने मिस कर दिया, अभी तो क्लास में गई थी। ओह नो, मेरा सारा ध्यान ना ख्याति दी की हाई हील्स पे था यार। मैं भी जब 12th क्लास में जाऊंगी ना तो पेस्टल प्लेन सिंपल साड़ी और डिजाइनर ब्लाउज और हाई हील्स पहनूंगी। भाई ब्लाउज से याद आया, याशिका को तूने असेंबली में देखा था, भाई नंगी आ गई है, बैगलेस ब्लाउज में पूरी कमर दिख रही थी उसकी, वी नेक का पहना हुआ है और सिर्फ वो बना रखा है इतना बड़ा, हॉट पिंक कलर में पूरी वैम्प लग रही है। एक वो बंदी है ओवर बन कर आ गई है, एक इन दोनों को देख लो अंडर परफॉर्म कर रही हैं। अब इस गीतिका को क्या है, सूट में आ गई है, एक मौका मिलता है यार साड़ी पहनने का वो भी गवा दिया, और स्नेहा को देख लो स्कूल ड्रेस में आ गई है फंक्शन के दिन, सो बोरिंग। आए क्यों वो फिर तुम लोग टीचर्स डे वाले दिन? चलना इशिका दी को कन्विंस करते हैं कि आप हमारी क्लास में आओ, वो सबसे स्वीट और सबसे सुंदर है। ठीक है चल चल, उनको मैं अपना रोज दे दूंगी और फिर उनको बोलूंगी दीदी आप बहुत प्यारे लग रहे हो, प्लीज आप हमारी क्लास में आ जाओ। यार मैं चॉकलेट दूंगी, मेरे बैग में रखी है, प्लीज एक बार चल ले क्लास में। इसके गुलाब के फूल रखना तो बहुत जरूरी है, फिर गुस्सा करेगी मुझे, मम्मी मेरे गुलाब के फूल नहीं रखे आपने। भाई छोरी पहली बार साड़ी पहनकर जा रही है स्कूल में, चक्कर ना आ जाए इसको, इतनी गर्मी है, लाहौरी जीरा रख देती है इसके लिए। मम्मी मेरी साड़ी कहाँ पे रख दी आपने? प्रेस के कपड़ों में रखी तो है मैंने, देख। अरे यार मम्मी इसमें पेटीकोट है, साड़ी है, ब्लाउज नहीं है इसमें। अरे सब कुछ तो वही है। कहाँ रख दिया आपने मेरा ब्लाउज? तो भूल ही गई, कल रिद्धि सिद्धि टेलर वाली के इसका ब्लाउज छूट गया, तो उठाना ही भूल गई। इसमें नहीं है ब्लाउज। हेलो, हाँ मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया सुबह सुबह?
हाँ वो कल आपकी शॉप पे पायल का ब्लाउज छूट गया, स्कूल में पहनकर जाना है ना इसको आज, टीचर्स डे का सेलिब्रेशन है इसका। आप लड़की को भेज दो दुकान पे, आ जाती हूँ मैं लेने। हाँ छोरी को साड़ी पहननी है आज पहली बार, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। आप भेज दो, मैं 2 मिनट में आ जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो बढ़िया होगा। मैं ना फटाफट जाकर आती हूँ, तो जाके नहा ले इतने, ठीक है मैं आती हूँ बस। पायल आजा बेटे। मम्मी अब आप जल्दी से मुझे साड़ी बांध दो, नहीं तो मेरी बहन आ जाएगी। चप्पल पहन नीचे जो साड़ी के पहनेगी, वरना साड़ी ऊंची नीचे बंधेगी। और गांठ बांध कर आई है ठीक से? हाँ बांध ली है। ला देखो ये तो बहुत ढीली है, साड़ी साड़ी निकल के गिर जाएगी। इससे टाइट क्या होगी? पकड़ इसको। ये तो बहुत टाइट है। कुछ टाइट नहीं है, एक उंगली लगा के रख, मैंने एक उंगली की जगह छोड़ी है। मम्मी सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है मेरा, निशान भी छप गया है। अब इसे ढीला करो, अब भी ढीला करो, मैं नहीं घूम सकती इसमें। टाइट करो ढीला करो, सारा टाइम इसी में लगा देगी, साड़ी नहीं बांधने देगी, वह ना जाएगी फिर तेरी। नाटक बहुत है, देख ठीक है। तेरी प्लेट मैंने ऐसे बांध दी, अब पैरों में अड़ेगी नहीं, ठीक है चल के देख ले थोड़ा। हाय कितनी बड़ी हो गई मेरी बेटी, तेरी शादी में ना एक से एक साड़ियाँ लेकर आऊँगी। चल स्टूडियो चलते हैं, फोटो खिंचवा कर आएंगे, तेरी रिश्ते के लिए भी काम आ जाएगी है? मम्मी आप ना मेरी साड़ी की प्लेट्स बनाओ, आपने साड़ी भी एकदम आंटियों जैसी बांधी है, इतनी ऊपर मछली जैसी शेप आनी चाहिए। उनके पेटीकोट अलग तरह के होते हैं, तू तो सांग ही बिखार लेगी अपना, थोड़ी से। बार बार बनाकर खोल रही हो, इतना मोटा बॉर्डर थोड़ी ना बनाते हैं। आपने दीपिका प्रियंका की साड़ी नहीं देखी क्या? इतना पतला सा बॉर्डर दिखता है बस। अपनी सबसे बेस्ट साड़ी निकाल कर दी है, किसी भी बच्चे की मम्मी के पास होगी नहीं इतनी बढ़िया साड़ी। ये नजर आना चाहिए बस, इतना मोटा बॉर्डर बना रही हो आप। अभी सारी साड़ी खोलकर निकाल देगी, सेफ्टी पिन लगाती हूँ। इसको साइड में कर रही हूँ। लो वैन आ गई तेरी, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। बैग ले फटाफट और निकल, बहुत प्यारी लग रही है, अच्छे से जा। नचा देती है पूरा का पूरा, पहले तो जाके पानी पीऊ मैं, थका दिया इस लड़की ने। हाय गाइस, वी होप आप सभी ने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया हो, बहुत रिलेट किया हो एंड बहुत हंसे हो। जो सब कुछ होता है टीचर्स डे पर वो हमने सब कुछ इस वीडियो में डाला है। शेयर योर फेवरेट पार्ट इन कमेंट सेक्शन, हमें बहुत मजा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फैमिली नेबर्स एवरीबॉडी एवरीबॉडी। लव यू गाइस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बाय बाय। सारी टीचर्स कितना चल रही हैं कि बच्चे आके हमें क्यों रोल दे रहे हैं। ओ अच्छा सॉरी मुझे लगा था प्रैक्टिस कर रही है। प्रैक्टिस क्यों करूंगी? हर्षिता को देखिए जरा, हरप्रीत और ये पायल। यार सॉरी सॉरी सर, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, टीना के ऊपर फूल आ गए। सॉरी मैंने ना एक्चुअली स्टार्टिंग की वो सुनीता मैम, यू वांट लस्सी? नो नो, न्यू साड़ी वेरी प्रिटी, कलेक्शन नंबर 1 है आपका। कहाँ से ली आपने ये साड़ी? यार मैं यहाँ पे वो तो नहीं लग गई लस्सी? नहीं नहीं कट मत करो, मैं ले लूँगी, बस बस पूछना था मैं। कहाँ से ली आपने ये साड़ी? सुनीता मैम वो आगली ओगली नहीं होता, वो क्या होता है मुझे पता था, यहीं अटकूंगी। क्या है? आलियो है, ओलियो है। हाँ
सुनीता मैम वो कितनी अच्छी लग रही हैं सारी दीदियाँ। चल ना मिलने चलते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं जा रही, मुझे शर्म आती है, मैं नहीं जा रही। सॉरी मेरा ही डायलॉग। जिंदगी की मुश्किलों से फिर वही लड़ना। तू देख के बोल ले। चुप रह। जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना फिर वही सिखाया। सॉरी मैंने कैमरा में ही। जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना फिर वही सिखाया करते थे हमें। जिंदगी की बता क्या करना है पायल यार। ऑब्वियसली ये तो मैं तो टीना बोलेगी। मैं बोल सकती हूँ। ओके 1 2 3 का है पानी पीऊँ पहले तो मैं जाके। इमरान